रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज, आज थर्सडे 20 जनवरी 2022, गुरुवार 20 जनवरी 2022, रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कुलोशियंस 1:13, कलोसियंग की पत्री 1:13, कुलोसियों की पत्री 1:13। इस वचन के आधार से आज का विषय है द किंगडम वे ऑफ लाइफ, राज्य के तरीकों में जीवन। द किंगडम वे ऑफ लाइफ, राज्य के तरीकों में जीवन। राज्य मार्ग में जीवन ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ओके, पास्टर क्रिस ओयाकिलोम हमको ये वचन के आधार से इस विषय को सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे कोलोशियंस 1:13, हु हैथ डिलीवर्ड अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस एंड हैथ ट्रांसलेटेड अस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। और एक बार पढ़ेंगे कोलोशियंस 1:13, हु हैथ डिलीवर्ड अस फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस एंड हैथ ट्रांसलेटेड अस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। कुलोसियों की पत्री उसके 1:13 में जो लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। एक बार और पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1:13 BSI बाइबल में से, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हमको अंधकार के राज्य में से छुड़ाया और परमेश्वर हमें तेरे प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। थैंक यू पास्टर क्रिस ओयाकिलोम हमको ये वचन के आधार से इस विषय को द किंगडम वे ऑफ लाइफ, राज्य के जीवन के तरीके, राज्य के जीवन के तरीके हमको सीखने के लिए मिल रहा है। पास्टर क्रिस ओयाकिलोम हमको सिखाते हैं व्हेन यू वेयर बॉर्न अगेन, यू वेयर बॉर्न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड्स डियर सन। जब आपने नया जन्म पा लिया है तब आप राज्य के अंदर, जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं, उसमें आप जन्म लिए हैं। Even though you now live and walk in His presence, you still have to learn how to live in this real kingdom of light, and the scriptures will help you understand this by the power of the Holy Spirit. अब जब आप जीवन जी रहे हो, इसके बावजूद कि आप जैसे भी इस दुनिया के अंदर अभी मौजूद हो और आप उसके उपस्थिति में चल रहे हैं, आप फिर भी यह जान लीजिए कि आपको सीखने की ज़रूरत है असल में परमेश्वर के ज्योति के राज्य का जीवन किस प्रकार से होता है। और वचन आपकी सहायता करता है इस बात को समझने के लिए, और परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा आप इसे सीख पाते हैं। Paul writing to Timothy said, But if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. 1 Timothy 3:15. Paulus जो है वह तिमोथियोस के लिए लिखता है, जो हमने शुरुआती वचन में पढ़ा 3:15 में वह इस प्रकार से कहता है तिमोथियोस को, पहले तिमोथियोस की पत्री 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो यही हमारे आज का विषय है वचन के आधार से भी, द किंगडम वे ऑफ लाइफ, राज्य के बर्ताव का जीवन ऐसा भी बोल सकते हैं उसको, यही हमारे आज का विषय है। दिस मीन्स देयर इज अ वे टू बिहेव वन सेल्फ इन द हाउस ऑफ गॉड। और एक बार हम पढ़ेंगे इस वचन को, पहले तिमोथियोस की पत्री
3 अध्याय के 15 वचन, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसका मतलब यह बनता है कि एक बर्ताव एक इंसान को सीखना चाहिए और ऐसा बर्ताव राज्य के अंदर परमेश्वर के घर के अंदर रहता है जिसको हमने जान लेना चाहिए। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ बट इट हैज़ अ वे ऑफ लाइफ। मसीहियत जो है जो ये मार्ग नहीं है जो जीवन का मार्ग कहा जा सकता है, परंतु वह जीवन के मार्ग उसके अंदर मौजूद है, ये हम कहना है। मसीहियत लोगों के अंदर जीवन का मार्ग मौजूद है, भरा हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि मसीहियत जीवन का मार्ग है। मसीहियत जीवन का मार्ग है ऐसा बोलना गलत है, और मसीहियों के अंदर जीवन का मार्ग है ये हम बोल सकते हैं। इन दिस किंगडम देयर इज अ लैंग्वेज, वी हैव आवर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इस राज्य के अंदर एक भाषा भी है और उस भाषा को लेकर हमने बातचीत करने के कुछ नियमबद्ध भी किए गए हैं, कुछ तरीके और बर्ताव के रख रखाव भी रखे गए हैं। देयर इज अ वे ऑफ लाइफ वी थिंक डिफरेंटली, ऐसा मार्ग है जीवन का कि हम अलग प्रकार से सोचते हैं। दिस इज समथिंग द डेविल डज नॉट वॉन्ट मेनी टू नो, यही वो बात है, बहुत ऐसे चाहते हैं कि हम हमारे अंदर से जो मार्ग है वो सबको पता चले, लेकिन शैतान ऐसा है कि वह ये मार्ग को सबके अंदर समझ में नहीं आने देता है और उनको इसकी जानकारी भी होने नहीं देना चाहता है। He wants them to remain in the dark, क्योंकि वो चाहता है कि लोग ऐसे ही अंधकार में पड़े रहे। The Bible tells us in 1 Samuel how the children of Israel asked for a king. पवित्र बाइबल हमको बताता है पहले शमूएल के पुस्तक में किस प्रकार से इसराइली संतानों ने मांग लिया था एक बादशाह के लिए। God gave them Saul to be their king and straight away Israel became a kingdom. परमेश्वर ने उनके मांग के तौर पर शाऊल दे दिया था उनका बादशाह होने के लिए, और फिर सीधे वो इसराइल जो है वह राज्य में बदल गए। सैमुएल न्यू अ किंगडम डज नॉट फंक्शन लाइक एवरी अदर सोसाइटी, एंड सो द बाइबल सेज ही told the people the manner of the kingdom and wrote it in a book and laid it up before the Lord. 1 Samuel 10 chapter 25 verse. जब शमूएल था वह शमूएल इस बात को जानता था कि ये परमेश्वर जो दे रहा है उसका जो राज्य जो है जो राज्य इसराइल को बादशाह देने के बाद खड़ा कर दिया गया है वो राज्य ऐसे ही काम नहीं करता है जैसे कोई अलग प्रकार के कोई भी जगह में समुदाय काम कर लेते हैं, उस प्रकार का परमेश्वर ने दिया हुआ राज्य नहीं चलता है। और इसके लिए पवित्र बाइबल बताता है कि शमूएल ने लोगों के लिए कुछ काम किया, और वह हम पढ़ सकते हैं पहले शमूएल का पुस्तक उसका 10 अध्याय के 25 वचन में। पहले शमूएल की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 25 वचन में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। और एक बार पढ़ेंगे पहले शमूएल की पुस्तक उसके 10 अध्याय के 25 वचन। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया।
He told the people the manner of the kingdom. What does this mean? यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है कि he told the people the manner of the kingdom and wrote it in a book and laid it up before the Lord. यहाँ वचन के अंदर जो लिखा है manner of the kingdom, और हिंदी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऐसा लिखा है तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। राजनीति का वर्णन किया तो इसका मतलब क्या बनता है? राजनीति का वर्णन किया, उसने लोगों को बताया, तो इसका मतलब क्या बनता है? As you study several translations, you will discover that he taught them the principles, rights, privileges, judgments and ways of life of the kingdom. जब आप अभ्यास करोगे अलग अलग भाषांतर किए हुए पुस्तकों में से, तब आप खोज निकालोगे इस बात को कि उसने जो सिखाया था वह सिद्धांत सिखाया था उनको, और अधिकार सिखाए थे, और उनके लिए रखे गए आदर के योग्य काम सिखाए थे, और न्याय सिखाया था किस प्रकार से अगर गलत हो जाए तो किस प्रकार से दंड आएगा, ये न्याय, और कैसे अच्छे काम करेंगे जो उसमें लिखे हैं तो कैसे प्रकार के उनके साथ परमेश्वर बर्ताव करेगा, ये न्याय के सब बातें उनको सिखाए। और फिर उसके अंदर और एक जीवन का तरीका भी उनको सिखाया, जो राज्य में किस प्रकार से किस तरीके से जीना चाहिए वो भी उसने सिखाया। He had to write how the kingdom functions and delivered it to the people. उसको उसे लिख कर रखना पड़ा किस प्रकार से राज्य काम करता है, और फिर उसको सौंप दिया लोगों को। This is exactly what Jesus did. यही जो काम किया है शमूएल की तरह प्रभु यीशु मसीह ने। He came preaching the kingdom of God and every now and then he explained how the kingdom worked or functioned. वह आया प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य के लिए, और फिर हर घड़ी हर बार यही समझाता रहा किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य काम करता है और या फिर काम करता रहना चाहिए। Often he would say, the kingdom of heaven is as this or that. बारंबार वह यही आपको बोलता हुआ मिलेगा कि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य जो है वो इस प्रकार से या उस प्रकार से है। He was telling us how it works. वह बता रहा था हमको किस प्रकार से वह काम करता है। He taught about the importance of words and about prayer in the kingdom. उसने सिखाया हमको सब जो महत्व रखते हैं इस प्रकार के शब्दों को, वचनों को, और फिर हमें उसने परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना के विषय में भी सिखाया। Now that you are in the kingdom of God, don't live like they do in the world. अब जब आप परमेश्वर के राज्य में हो चुके हो, तब उन लोगों की तरह मत रहे और ना ही उन लोगों की तरह समानता में जिए जिस प्रकार से जगत में लोग जिए जा रहे हैं। The Bible says, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Colossians 3 chapter 9, 10 verse. पवित्र बाइबल हमको बताता है कुलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 9 और 10 वचन में। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में पवित्र बाइबल हमको बताता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है।
और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3:9-10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। There is a different mentality in the kingdom, a different way of life that you must imbibe. यहाँ पर एक अलग प्रकार की वृत्ति है राज्य के विषय में और अलग प्रकार के तरीके हैं जीवन जीने का, जिसके विषय में आपको निश्चित कर लेना है और अपने ऊपर उसे ले लेना है, अपने अंदर उसे शोषण कर लेना है, सोख लेना है, अपने अंदर उसे ग्रहण कर लेना है। आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हमको लाया है, इस वचन की तरफ हमारा ध्यान लाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन हमारे तक पहुंचने से तूने रोका नहीं और परमेश्वर इस वचन की अगुवाई में खुदा पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के ऊपर जो अभिषेक है वचन को पहचानने का, वो अभिषेक खुदा हमारे ऊपर भी बह रहा है। अबा फादर गॉड, इस वचन के अंदर के गहरी बात को स्वीकारने का अनुग्रह हमें मिल रहा है। हम धन्यवाद के साथ इस वचन को स्वीकारते हैं और तेरे राज्य के वर्णन को परमेश्वर पिता हम स्वीकारते हैं। अबा फादर गॉड, जहाँ तक लोगों में अभी तक रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज पहुँचा नहीं है मेरे पिता, उसके जीवन के मार्ग जो है खुदा वो लोगों के अंदर पिता खींच लिया नहीं गया है, अभी तक वो ऊपरी तौर पर ही खुदा लोग उसे जानते हैं। मेरे खुदा उनके अंदर पिता उतर कर आने के लिए सहायता कर। मेरे परमेश्वर, तू कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के शक्ति के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है। मेरे परमेश्वर, ये उद्धार का रास्ता है खुदा परमेश्वर, पापों के माफ़ी का रास्ता है, यही बात है खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं कि उनका उद्धार और पापों की माफ़ी इस रास्ते में मौजूद है, इसके लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को खुदा परमेश्वर उनके जीवन के अंदर उतर कर आने के लिए रास्ता बना। हम पिता, जैसे हमारे अंदर ये वचन उतर कर आए हैं पिता, हम अपने लिए हमारे इर्द गिर्द हर जगह में और परमेश्वर तेरे स्वर्ग के राज्य को बनाने में और ऊंचा करने में खुदा हम लाभदायी बने। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।